धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर सेल धार और कुक्षी पुलिस द्वारा अवैध फायर आर्म्स निर्माता और अंतर्राज्यीय तस्कर के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट शीटर बदमाश अंतर्राज्यीय अवैध फायर आर्म्स निर्माता व तस्कर प्रहलाद भाटिया सहित 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही 21 देसी 12 बोर के कट्टे, 2 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 2 बाइक और 3 मोबाइल, कुल 4,10,000 रुपये की मशरूका भी जब्त की है। पकड़ाए आरोपियों में एक आरोपी भिंड जिले के ग्रामपुरा थाना अटेर का संजय उर्फ सत्येंद्र पिता कमल पूर्ववंशी भी है। पूरे मामले को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि कुक्षी थाना पुलिस प्रभारी राजेश यादव, साइबर शाखा धार प्रभारी भैरू सिंह देवड़ा के नेतृत्व में अवैध फायर आर्म्स निर्माता और तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना मनावर के हिस्ट्री सीटर बदमाश अंतर्राज्यीय अवैध हथियार तस्कर और वर्तमान में जिला बदर आरोपी प्रहलाद पिता गुलजार सिंह भाटिया जाति सीख लीगर निवासी ग्राम सिंघाना और उसका एक साथी पेडलर सुनील पिता प्रेम सिंह सोलंकी निवासी ग्राम खटामी थाना डही जिला धार को अवैध हथियार की तस्करी करते रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुल 8 नग देसी पिस्टल, 7 नग देसी 12 बोर के कट्टे और 1 नग देसी पिस्टल को जब्त किया गया है तथा कुक्षी थाने में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। वहीं गिरफ्तार डही थाने के आरोपी सुनील पिता प्रेम सिंह सोलंकी ने पूछताछ में प्रहलाद सीख लीगर से बने फायर आर्म्स को संजय उर्फ सत्येंद्र निवासी भिंड को डिलीवर करना बताया। पुलिस टीम द्वारा भिंड के आरोपी संजय उर्फ सत्येंद्र को गिरफ्तारी कर उसकी निशानदेही पर उसके भिंड जिला थाना अटेर ग्रामपुरा स्थित मकान से 14 देशी 12 बोर के कट्टे, 1 देशी पिस्तौल, कुल 15 नग देशी कट्टे पिस्टल जिनकी कीमत 1,60,000 रुपये है जब्त किया गया है। उक्त प्रकरण में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 23 नग अवैध हथियार जिनमें देशी कट्टे पिस्टल, 2 नग जिंदा राउंड जब्त किए गए हैं। साथ ही पुलिस द्वारा पेडलर सुनील सोलंकी डही को रिमांड पर लिया गया है जिससे अवैध हथियार तस्करी से जुड़े और भी खुलासे होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार पुलिस प्रशासन लगातार खाटला बैठक के माध्यम से सीख लीगर समुदाय को अवैध आर्म्स हथियार निर्माण और तस्करी के कार्यों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास में लगा है। विगत दिनों भी सीख लीगर समाज के ग्राम बारिया थाना गंधवानी में खाटला बैठक आयोजित कर उन्हें अपराध छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु लगातार प्रोत्साहित किया गया। वहीं अवैध हथियार तस्करों अपराधियों के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। देखिए, धार पुलिस ने अवैध शस्त्र निर्माण करने वाले, बेचने वाले और दूसरे जिलों में, दूसरे प्रांतों में तस्करी करने वाले एक ऐसे गैंग को आज ट्रेस किया है जिसके कब्जे से 23 अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 21 कट्टा है और 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें मुख्य आरोपी प्रहलाद है, जो सिकलीगर समाज से आता है, उसने अवैध शस्त्र बना करके देश के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई करता था। वह यहाँ से बना करके भिंड के एक ऐसे व्यक्ति को शस्त्र बेचा करता था जिसकी उसके निशानदेही पे हम लोगों ने उसको भी पकड़ा है, जिसका नाम सत्येंद्र है। उसके कब्जे से आज 15 देसी कट्टे और 1 पिस्तौल बरामद हुआ है और इन दोनों के बीच की जो कड़ी था, सुनील नाम का व्यक्ति था जो मूलतः दही का रहने वाला है। जब पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता था तो सुनील प्रहलाद से कट्टा लेकर के, शस्त्र लेकर के सत्येंद्र को पहुँचाया करता था। इस पूरी चेन को हम लोगों ने पकड़ने में सफलता हासिल करी है, सप्लाई से लेकर के रिसीवर तक। और इसके जो अपराध हैं प्रहलाद के, उसके विषय में भी हमारी जांच चल रही है। कुल मिलाकर उसके 16 अपराध हैं। नवंबर के महीने में हम लोगों ने उसके खिलाफ़ जिला बदर भी किया था और उसके खिलाफ इनाम भी किया था, जो जिसके कब्जे से हम लोगों ने शस्त्र बरामद किए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि सिकलीगर समाज को मैंने पहले भी अपील करी है कि समाज के मुख्य धारा में जुड़ करके अपना जीवन यापन करें। पिछले दिन ये बारिया के गांव में हमने बैठक भी करके उन लोगों को सही रास्ते पर लाने का काउंसिलिंग किया था। एक ओर जहां उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, जो शस्त्र निर्माण और शस्त्र सप्लाई करने में लिप्त हैं, जो तस्करी में लिप्त हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने में भी हमारा प्रयास जारी है, उसी में यह कड़ी है। इस प्रकार एडिशनल एसपी सिटी इंद्रजीत, एसडीओपी कुक्षी और टीआई कुक्षी राजेश यादव और साइबर की पूरी टीम, साइबर प्रभारी भैरू सिंह देवड़ा की पूरी टीम ने अथक मेहनत करके
कुक्षी से, धार से और भिंड से इन तीनों गैंग के लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल करी है, जिससे करीब 23 हथियार जब्त हुए हैं। सर, इसमें और भी आरोपी? हाँ बिल्कुल, जो हमारी पूछताछ चल रही है, हम लोगों ने फोरेंसिक और साइबर एनालिसिस कर रहे हैं, इन लोगों के कॉन्टेक्ट को ढूंढ ढूंढ रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बदमाश प्रहलाद है और सत्येंद्र है, इसकी निशानदेही पे इन्होंने और कहाँ कहाँ सप्लाई किया, इनके लिंक क्या है, क्योंकि ये प्रहलाद से कई बार सप्लाई करके यहाँ से शस्त्र भिंड पहुँचाया गया है, तो भिंड के आगे सत्येंद्र ने कहाँ कहाँ बेचा, उस पर भी हमारी जांच चल रही है और पूरी तह तक हम जाने का प्रयास करेंगे, ताकि पूरे गैंग को ट्रेस करके उसको हम लोग नेस्तनाबूद कर सकें। टीम को किसी तरह का रिवॉर्ड? हाँ, टीम को जो पूरी हमारी टीम ने काम किया है, इन लोगों ने, आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले एक सप्ताह से ये लोग भिंड में, अटेर में, आगरा में घूमते रहे और बाकानेर के जंगल से भी जिस प्रकार से इन लोगों ने रिस्क लेकर के इतने बड़े स्मगलर को पकड़ा, वाकई काफ़ी रिस्क वाली बात थी। इस पर हम अभी तत्काल 10,000 रुपया कैश रिवार्ड इनको हमने देने की घोषणा करी है, और जो पूरी हमारी कार्रवाई है पिछले दिनों अवैध शस्त्र के खिलाफ, और जिस तरह से हम लोग सामुदायिक प्रदर्शन भी कर रहे हैं इस समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, हम अपनी पूरी टीम का प्रस्ताव शासन को भी मैं भेजने का, मैं मेरा प्रस्ताव बन रहा है जो हम शासन